दादा साहेब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस स्पेशल इंटरव्यू सीरीज। दादा साहेब जो हैं वो नाइन्थ मोशन कंपनी और डू ग्राफिक्स कंपनी के फाउंडर हैं और उसको उसका पूरा काम वो देखते हैं। और हम सब लोग कैनवा, हम लोगों ने सुना है कि वो कैसे डिजिटल पोस्टर्स में और आजकल डिजिटल वीडियोस भी एडिटिंग करने का हमको एक प्लेटफॉर्म है, उसी तरह से इन्होंने भी अपना एक खुद का एक एप्लीकेशन ये लॉन्च करने वाले हैं बहुत ही जल्द, जो जिसका नाम डू ग्राफिक्स है, सही बोल रहा हूँ? राइट। हाँ, तो ये डू ग्राफिक्स जो है ये इंडिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को, यूजर्स को डिजिटल पोस्टर्स और वीडियो एडिटिंग करने का के लिए टूल्स प्रोवाइड करता है। सो पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा मैं कि आप ये लोग आप लोग ये काम कर रहे हैं, और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफेशनल जर्नी कैसी रही है, आप इस काम में कैसे आए, पढ़ाई कॉलेज के समय से ही था या बाद में कभी सोचा, कैसे किया? थैंक यू फॉर आपने मुझे इंटरव्यू के लिए ये चांस दिया है कि पहला, बेसिकली मेरा पहला इंटरव्यू, हमारा जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो उसका ये मेरा पहला इंटरव्यू है। वैसे देखा जाए तो मैं एक छोटे गांव में हूँ जहाँ मैं अभी बैठा हूँ, तो ये एक बीड़ में एक गाँव आता है। तो मैं यहाँ से जब निकला था, मेरा एजुकेशन एक ITI बोल के होता है, वो एक डिप्लोमा होता है। मैं पुणे में गया था एक नॉर्मल जॉब ढूंढने के लिए। तो उधर जाने के बाद वैसे क्या हुआ कि जो सैलरी मिलती है जो ITI बंदे को, तो उतना पावरफुल नहीं हो रहा था। उसके लिए मैंने क्या किया, IT कंपनी इंफोसिस, उसमें मैंने ऑफिस बॉय का जॉब ज्वाइन किया था। तब जाके मुझे पता चला, अरे IT का भी ऐसा एक वर्क होता है जो कंप्यूटर के रिलेटेड होता है या प्रोग्रामिंग होता है ऐसा। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि उन्होंने उधर बहुत इंफॉर्मेशन लिया लोगों से कि अरे ये क्या चीज़ होता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको आर्ट में ऐसा कुछ प्रोग्रामिंग क्या इंटरेस्ट है, आर्ट में कैसे इंटरेस्ट है। तो मैंने बचपन से, मेरा एक्चुअली ड्राइंग बहुत अच्छा था, तो उधर जाके मुझे पता चला अरे ड्राइंग से मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने एनिमेशन का कॉलेज वगैरह ये किया, पार्ट टाइम किया है कि बेसिकली मैं डे में काम करता था और नाइट में ऐसा जॉब ये पार्ट टाइम सीखता था। तो पहला सिलेक्शन मेरा हुआ था इसमें, अपना प्राइम फोकस में, मैं एक रोटो आर्टिस्ट था। तो वो सब जर्नी स्टार्ट करके मैंने बीच में प्रोग्रामिंग सीखा, उसके बाद मैं इफेक्ट्स आर्टिस्ट बना। और जर्नी करते करते मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे। इंडिया में हम लोग जो जितने भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसमें लगभग 100% बाहर की है, अपना इंडिया का एक भी सॉफ्टवेयर नहीं है। तो मैंने सोचा चलो उसमें कुछ ट्राई करना चाहिए। तो पहले मैंने मोशन ग्राफिक्स का एक आफ्टर इफेक्ट्स के लिए मोशन बुलेट करके एक एक्सटेंशन बनाया है, तो उसमें हम लोगों ने 6000 कस्टमर कंप्लीट किए वर्ल्ड वाइड। और अभी हम लोगों ने जो उसमें हम लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रहा था, जो कस्टमर्स है उनको ये सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ पता नहीं। जैसे आफ्टर इफेक्ट्स हम लोगों को पता है, हम लोग डिजाइनर्स है या आर्टिस्ट है, लेकिन जो नॉर्मल पर्सन है जिसको उसका कुछ एडवर्टाइज बनाना है, ब्रांडिंग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो उनके लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म किया जिसका नाम है डू ग्राफिक्स। तो ये है मेरी जर्नी जहाँ से हम लोग, मैं अभी तक मुकाम पे पहुंचा हूँ कि हम लोग ये स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, मेरे ख्याल से आप एकदम जमीन से अपने आप को खुद पैरों पे खड़े किए हुए आप हो, तो ये वाकई में बहुत इंस्पिरेशनल है हमारे स्टूडेंट्स के लिए और सबके लिए भी, और हमारे देश के लिए भी गर्व की बात है कि आप इंडिया का एक पहला इस तरह का सॉफ्टवेयर खुद लॉन्च करने वाले हैं। ये बताइए, आपका अभी ये जो काम है, पहले आपकी कंपनी का नाम डूजिट था, फिर नाइन्थ मोशन, अभी डू ग्राफिक्स हो रहा है, तो ये कितने सालों का प्रवास रहा, कैसे शुरुआत की इसकी, और आपकी टीम में कितने लोग काम करते हैं? बेसिकली मेरी शुरुआत हुई जो मैंने नाइन्थ मोशन ब्रांड स्टार्ट किया, तो उसमें क्या था, मैंने कुछ डिजिटल एसेट्स बनाए थे जो मैं टेम्पलेट बेचता था। तो उसके थ्रू मैंने लगभग वर्ल्ड वाइड जैसे 6000 बोला, अभी 6000 कस्टमर को कंप्लीट कर रहा था। तो उसी बीच में मुझे बहुत सारे कस्टमर ऐसे मिल रहे थे कि उनको सॉफ्टवेयर बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो टेम्पलेट करते करते मुझे, पहले तो सॉफ्टवेयर मैंने सीखा था क्योंकि मुझे पता था कि लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत बेसिक से मैंने सीखा था, CPP सीखा था या पाइथन भी सीखा था, जो हम लोग न्यू किया माया में हम लोग जो इफेक्ट्स बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने न्यू पाइथन सीखा था। तो उसके आगे जाके मैंने जावास्क्रिप्ट सीखा, जो हम लोग आफ्टर इफेक्ट में कुछ एक्सटेंशन बनाना है, इफेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए। लेकिन ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मैं खुद नहीं कर सकता था, तो मैंने एक टीम हायर किया, जो एक अभी 7-8 लोग हैं मेरे टीम में जो डेवलपर्स हैं। और
इंडिया में ऐसे डेवलपर्स मिलना थोड़े मुझे कम नहीं मिल रहे थे, वो तो वियतनाम से भी मेरे दो तीन लोग टीम में है, तो उनके साथ टाइप किए मैंने सॉफ्टवेयर बनाना। और डिजाइन टीम में हमारे टीम में अभी एक 10-15 लोग है जो ग्राफिक डिजाइन करते हैं, मोशन ग्राफिक्स करते हैं वो सब। और इसके बाद अभी डिजिटल मार्केटिंग का भी टीम है जो अभी पूरा ब्रांडिंग है और मार्केटिंग दिखता है। तो अभी 15 अगस्त को ये लॉन्च है और इसके थ्रू हम लोग कैसे पूरे इंडिया के जितने भी ये है नॉर्मल बिजनेसमैन उनके लिए ये है। बहुत बढ़िया। तो वियतनाम, और इसका मतलब फिर आपके इंडिया के बाहर अलग अलग क्लाइंट्स होंगे तभी वहां से आपको कुछ हायर करने के लिए लोग भी मिले, तो कहाँ कहाँ पे है आपके क्लाइंट्स? बेसिकली अपने जो क्लाइंट्स है लगभग 6,000 जो कंप्लीट हुए उसमें से लगभग 90% बाहर के, जैसे यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम हो गया, तो बहुत सारे अलग अलग कंट्री से क्लाइंट्स है, तो कॉन्टेक्ट तो बहुत बनते हैं। तो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर भी है जो उनके साथ उनके लिए हम लोगों ने काम किया था, उनके टेम्पलेट डिजाइन किए थे, तो उनके कुछ डेवलपर्स मिलके हमारे उनकी हेल्प लेके हमने इस डेवलपमेंट में थोड़ा हेल्प लिया। बहुत ही बढ़िया। तो ये बताइए कि अभी लॉकडाउन का पूरा माहौल बना हुआ है देश में और दुनिया भर में, तो ये कोरोना की वजह से आपके मार्केट पे कुछ असर पड़ा क्या, या आपके क्लाइंट्स कुछ कम हुए या क्या असर पड़ा उसका? हाँ, जो हम लोगों ने 9th मोशन जो हमारा प्रीवियस बिजनेस है जिसके हम लोग टेम्पलेट बेचते, उसका थोड़ा 50% डाउन हुआ है, क्योंकि वो ज्यादातर बेसिकली यूएस में ज्यादा चलता है, तो उधर का जो ब्रांडिंग का वगैरह मटेरियल थोड़ा कम हो गया, उसमें सेल्स थोड़ा कम हो गया। लेकिन अभी जो नया प्लेटफॉर्म है उसका तो पूरा 200% हम लोगों ने काम बढ़ा दिया है, जितना जल्दी हो सके उतना लॉन्च करने का, तो काम बढ़ाया है, थोड़ा सेल्स कम हो गया। और क्या आपको लॉकडाउन में कुछ अपने स्टाफ की छटनी करनी पड़ी या उनके सैलरी कम करने पड़े, ऐसा कुछ करना पड़ा क्या? नहीं, हम लोगों ने स्टाफ को 100% सैलरी दी है और स्टाफ बढ़ाया है इस लॉकडाउन में, क्योंकि हमारा टारगेट है कि जितने भी इंडिया के बिजनेस है अभी डाउन गए, तो उनको ऊपर लाने के लिए हमारा स्टाफ बढ़ना बहुत जरूरी है, उनको ब्रांडिंग के लिए और एडवर्टाइजिंग के लिए, उनका सेल्स बढ़ाने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बताइए कि आपके आप जब पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई से आपने जो ये पूरा खुद का एक नया कंपनी डालने तक का जो सफर है, तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स भी आए होंगे, तो वो क्या थे और उनसे कैसे आपने निपटा? बेसिकली मुझे जो लर्निंग करना था अभी तक, जो हम लोग प्रैक्टिकली अपना फील्ड ऐसा है कि डिजाइन फील्ड में जितना हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसा जो सिलेबस है, सिलेबस तो करना ही चाहिए 100% जो थियोरेटिकल है, लेकिन 100% जो प्रैक्टिकल है, जैसे कुछ डिजाइन करना है, जितना आप 100% प्रैक्टिस करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन में से हमारा ऐसा शेड्यूल था मेरा कि हम सुबह 10 बजे जाओ तो ऑफिस से अलग, रात को 2 बजे तक हम लोग उधर ही काम करते थे, अगर ऑफिस का काम खत्म होता है तो भी कुछ नया स्टार्ट करते थे, ताकि क्योंकि मेरा घर पे सिस्टम नहीं था तो हम लोग ऑफिस में उसका एक्सपेरिमेंट करते पड़ते। तो और कुछ सीनियर्स थे अपने, तो उनसे बहुत सीखते थे ऐसा। बढ़िया। तो ऐसा करिए, आपका ऑफिस दिखा सकते हैं आप हमको अभी? आप अभी किसी गांव में हैं? राइट, हमारा ऑफिस दिखाता हूं आपको, क्योंकि बाहर थोड़ा साउंड डिस्टर्ब है, तो आपको मैं अभी ऑफिस दिखाने के लिए। बेसिकली ये टेंट लगा हुआ है जिसमें हम लोग रात को सोते हैं। ओके। और ये हमारा स्विमिंग पूल है जिसमें हम लोग नहाते हैं सुबह, और ये पूरा ग्राउंड है जिसमें हम लोग एक्सरसाइज वगैरह सुबह जॉगिंग वगैरह होता है, और ये है हमारा ऑफिस। ये ऑफिस है हमारा, तो इसमें अभी डिजाइन डिपार्टमेंट इधर, ये 5-10% पीपल यहाँ बैठते हैं जो मेरे साथ बैठे, बाकी सब अपने घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और ये मेरा सिस्टम है, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। ओके। तो बाकी जो डिजाइनर्स हैं या जो टीम है वो कौन कौन से शहरों में है सर? कुछ तो अभी हाँ अभी जैसे पुणे में कुछ लोग हैं, मैं एक्चुअली इधर डिस्टर्ब हो रहा है, मैं खुद से गाड़ी में आ जाता हूँ ताकि साउंड डिस्टर्ब ना हो। बेसिकली हमारा जो अभी
ज्यादातर टीम जो है पुणे में ज्यादा है और सभी अपने अपने गांव में, जैसे कोई जलगांव में है, धुले में है, कोई पुणे में है, नागपुर में भी कोई लोग हैं, औरंगाबाद के भी कोई लोग हैं, ऐसे अलग अलग सिटीज है। बहुत ही बढ़िया, मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंस्पिरेशनल है कि कहाँ एक महाराष्ट्र के दूर दराज के गांव में कुछ लोग हैं जो देश का इतना नाम रोशन करने वाले हैं। तो इस सब के लिए बहुत बहुत ये बताइए कि आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स या डिग्री ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड कभी की है या वो बस अपने वर्क एक्सपीरियंस से सीखे हैं? राइट, एक्चुअली मैंने बीएससी एनिमेशन के लिए एडमिशन लिया था, लेकिन क्या हुआ कि जो मैं ऑफिस में जॉब करता था और ये कर रहा था तो उस टाइम पे इतना फीस भरने का वगैरह थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो मुझे फर्स्ट ईयर से छोड़ने का थोड़ा मजबूरी था। तो और मुझे प्राइम फोकस जो था तो उनके थ्रू मेरे बड़े भैया, दोस्त के बड़े भाई थे, तो बोले चलो इंटरव्यू देने के लिए आ जाओ, तो मैंने वहाँ पे चला गया। तो बेसिक वहाँ पे जो डिपार्टमेंट स्टूडियो बनाते तो फर्स्ट बैच था, तो हमारा जाते ही उन्होंने सिलेक्शन कर लिया। मुझे फ्यूजन का नाम भी पता नहीं था, लेकिन उन्होंने ले लिया मेरा बेसिक नॉलेज ड्राइंग का, उसका बाकी का टेस्ट लिया और मुझे सिलेक्शन हो गया। तो मेरी बेसिकली डिग्री कोई नहीं है, सिर्फ नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। तो डिग्री अभी तक कंप्लीट नहीं है मेरी। तो आप ये बताइए, अब आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे खुद काम कर चुके हैं या कौन कौन से आपके कंपनी में सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं? बेसिकली मैंने शुरुआत तो मेरी फ्यूजन से हुई थी, जिसमें मैं रोटो और स्टेरियो करता था। उसके बाद मैंने फ्लैश में जो एनिमेशन करते हैं ट्रेडिशनल एनिमेशन और आफ्टर इफेक्ट्स उसमें कंपोजिट, हाँ राइट, टूडी एनिमेशन में काम किया। उसके बाद मैंने माया में थोड़ा इफेक्ट्स का काम किया था, जिसमें न्यू के साथ एक्सप्लोजन स्मोक, क्योंकि मेरा जो टूडी का काम था उसमें भी मेरा सेम काम था, तो माया में भी मैंने 3D का एक्सपेरिमेंट किया उसके थ्रू ऐसा। तो उसके बाद हमारी जो कंपनी है अभी उसमें हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स करते हैं, इलस्ट्रेटर करते हैं, फोटोशॉप करते हैं अभी के लिए, और फ्लैश एनिमेशन के लिए। ओके, अब ये बताइए कि आपकी लाइन में अगर आपकी कंपनी में किसी को ज्वाइन करना हो तो उसको जो सॉफ्टवेयर बताए वो सब तो मालूम होने चाहिए, लेकिन उसके अलावा आपने यंग स्टूडेंट्स के साथ भी काम किया होगा, तो जब स्टूडेंट्स से पढ़ाई करके या डिग्री लेके आते हैं तो वो एक अलग माहौल होता है, और जब हम लोग इंडस्ट्री में काम करना शुरू करते हैं तो बात पूरी बदल जाती है। तो बच्चों को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो माइंडसेट किस तरीके से अपना रखना चाहिए कि इंडस्ट्री में अपने आप अपने पांव अच्छे से जमा सके? बेसिकली स्टूडेंट को जो अपना वर्क है ना, अपने जो नीच लेवल पे आप जो सेलेक्ट करते हो, जिसमें मॉडलिंग हो या एनिमेशन हो, अपना नीच पे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको हर चीज आने की बहुत जरूरत नहीं है, आपको जो भी चीज आती है उसमें 100% दे दो, और अपना स्टोरील में जो दिखा सकते हो फर्स्ट टाइम के लिए स्टोरील बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जितना भी वर्क होता है वो स्टोरील में ऐड होना चाहिए। तो मेरा अगला सवाल एक्चुअली यही था अभी कि स्टोरीज भी आपने बहुत सारी देखी होंगी, तो बच्चे क्या गलती करते हैं स्टोरी बनाने में? बहुत सारे लोगों के स्टोरील देखा वो हर चीज मिक्स कर देते हैं, उनको ये भी आता है, मॉडलिंग भी आता है, टेक्सचरिंग भी आता है, या उनको कंपोजिटिंग भी आता है, और हर एक चीज का ये नहीं होता है, प्रोफेशनलिज्म कोई भी चीज में नहीं होता है। तो कंपनी बेसिकली देखती है कि इसको क्या चीज परफेक्ट है, तो क्योंकि उसका हर चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसको एक बंदा चाहिए उस चीज के लिए परफेक्ट चाहिए, उसी को वही काम मिलेगा उसको। तो यही कि एक चीज पे कॉन्स्टेंट होना चाहिए, और बाकी का बेसिक नॉलेज रखो आप, लेकिन हर चीज मत करो। ठीक है, अंत में आप हमारे स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहते हो क्या? मैसेज तो देना चाहूंगा, क्योंकि आपको ऐसा कोई भी ये नहीं है कि आपको फाइनेंशियल कंडीशन या जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको फेस करने का आपको ये करना चाहिए, आप कंटिन्यूसली काम करते रहो, आपको सैलरी बढ़ेगी, जॉब मिलेगा, सब कुछ, आपका जो टैलेंट है वो बढ़ाओ, सिर्फ आपको बाकी की अपॉर्चुनिटी कंटिन्यू आती रहेगी, ये तो फिर ग्रो होने वाला है कंटिन्यू। हर चीज को डिजिटल प्रेजेंस बिजनेस को चाहिए, तो अपना एनिमेशन फील्ड बहुत अच्छा है, तो आप अपना काम पे ध्यान दीजिए, अपना वर्क अच्छा करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस इंटरव्यू पे जुड़ने के लिए दादा साहब, और आपका
जो भी आगे के फ्यूचर एंडेवियर्स है उसके लिए हम आपको बधाई भी देते हैं और आपको शुभकामनाएं भी देते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपको भी शुक्रिया, आपको बुला हमें मुझे बुलाने के लिए, धन्यवाद।